नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे IQOO 8 सीरीज मोबाइल फोन के बारे में। वो गाइस फाइनली लॉन्च हुआ, बहुत टाइम से चल रहा था क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी फोन था। अब आपको मतलब BMW एडिशन के अंदर मिल जाता है। जैसे ये गाइस बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की, IQOO 8 प्रो मोबाइल जो कि प्रो वेरियंट है, उसमें आपको स्क्रीन साइज जो मिलता है 6.76 इंच का, आपको फुल HD OLED एंड 120 Hz पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मतलब एकदम फर्स्ट क्लास प्रोसेसर के साथ आता है। Snapdragon 888 मतलब 5G को भी अच्छा सपोर्ट करता है और आपकी वीडियो क्वालिटी एंड कैमरा सेटअप को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अब बात करते हैं कि किस स्टोरेज वेरिएंट में आने वाले हैं। तो गाइस 8 GB रैम के साथ और 12 GB रैम के साथ आने वाला है। 256 GB से लेके 500 GB तक, 512 GB तक आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब एक बिग स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप। तो 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दिया है, 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है और 16 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट कैमरा दिया है। इसी में बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बात करें बैटरी फीचर की, तो 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो 120 वाट की आपको वायर मतलब सपोर्ट मिल जाती है। मोबाइल सपोर्ट करता है 120 वाट और वायरलेस से आप 50 वाट तक डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। मतलब 4500 mAh की बैटरी है, 120 वाट का आप चार्जर लगा रहे हो तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। अब गाइस उसका एक लोएस्ट वर्जन पे बात करते हैं, IQOO 8, जिसमें आपको स्क्रीन साइज जो मिलता है 6.65 इंच का आपको स्क्रीन साइज मिलता है, फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फुल HD सपोर्टेबल है और 120 GHz पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि अच्छा है। बात करते हैं स्नैपड्रैगन, तो इसमें Snapdragon 888 मिलता है, उसमें प्लस प्रोसेसर मिलता है, इसमें नॉर्मल मिलता है 888। बात करें स्टोरेज की, तो आपको दो स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 8 GB के साथ 128 GB एंड 12 GB रैम के साथ 256 GB। मतलब आपको बहुत स्टोरेज दिया गया है, वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस बात करें इसमें जो आपको कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 30 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। और गाइस इसमें जो बैटरी दी गई है वो 4350 mAh की दी गई है, तो एटलीस्ट की पूरा दिन काटने के लिए अच्छा है। और इसमें सिर्फ चार्जिंग सपोर्ट दी गई है, तो 120 वाट की आपको चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है मोबाइल में, जो कि 20 से 25 मिनट से ऊपर नहीं लेगा। अब गाइस बात करें प्राइस सेगमेंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी मोबाइल का, क्योंकि इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आए हैं तो ऐसा तो नहीं गूगल पिक्सल 5a की तरह प्राइस बिगाड़ दिया मोबाइल के। तो गाइस प्राइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बात करें लोअर वर्जन की, तो IQOO 8, जिसमें आपको 43,000 रुपये का 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिल जाता है। और बात करें दूसरे वेरिएंट की, तो 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज मिल जाता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शनेबल बात करें प्राइस सेगमेंट है। और आपको 48 मतलब 43,600 में तो 8 GB 128 GB के साथ मिल जाता है स्टोरेज, और 12 GB के साथ 256 GB जो मिल जाता है वो 48,200 के साथ मिल जाता है, जो कि कह सकते हैं कि मोबाइल की स्पेसिफिकेशन को देख के बहुत बढ़िया है। अब गाइस चलते हैं सीधे IQOO 8 प्रो पे, जिसमें आपको 57,300 रुपये में 8 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज मिल जाता है और 63,100 रुपये के साथ मिल जाता है 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज, और 68,800 में मिल जाता है आपको 12 GB रैम के साथ 68,800 के साथ जो मिल जाता है 12 GB रैम के साथ 512 GB स्टोरेज। मतलब प्राइस सेगमेंट को कंट्रोल में रख के ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, क्योंकि BMW एडिशन है तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो उसके भी लगते हैं। और गाइस ये थी फुल फुल इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।